जो सवाल मैं दुर्गेश से पूछ रहा था वही आपसे, क्या WHO की गाइडलाइन, केंद्र की गाइडलाइन, गृह मंत्रालय की गाइडलाइन, उत्तर प्रदेश सरकार की रोज 3:30 बजे की ब्रीफिंग की जो गाइडलाइन है, जिनके उल्लंघन पर मुकदमा है, गिरफ्तारी है, क्या उनका अनुपालन कल उत्तर प्रदेश में हर जिले में दिखा जहां सेंटर था बच्चों का? सर मैं एक तो सामान्य सा विद्यार्थी हूं जी, मेरे कहने से आप पहले देख लीजिए, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं, सैनिटाइजर का, मास्क का, थर्मल स्क्रीनिंग का, जिस प्रकार से सरकार ने हवाला दिया, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने दावे किए कि हम सारी व्यवस्थाएं करेंगे, लेकिन सब की सब धरी रह गई। आप गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, बनारस, आप सभी जिलों में देख लीजिए क्या स्थिति खड़ी हुई है। हम कैसे विश्वास करें कि हमारा भविष्य सुरक्षित होगा? आप बरेली की स्थिति देख लीजिए, बच्चा क्लासरूम में बैठता है, कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, उसको आइसोलेट कराया जाता है, हम कैसे उस पर विश्वास करेंगे? सर बहुत खराब स्थिति है। बीएड में 4.5 लाख स्टूडेंट बैठा, और बैठने के बाद उसको तो सर होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया, कुछ बच्चों को होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर भेज दिया गया। बाहर जाने वाला किन परिस्थितियों में सामना किया है, किन चुनौतियों के साथ सामना किया है? हमें तो सर हमारी परीक्षा 18 जिलों में है, और हमारे सेंटर हमारे गृह जनपद से 200 से 250 किलोमीटर दूर है। हमें परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की बहुत बड़ी चुनौती है, घर से निकलने से लेकर के टेम्पो, ऑटो, टैक्सी, बस, इन सब संसाधनों का अभाव है। उसके बाद भी यदि हम किसी तरीके से जाते हैं तो किस बात की गारंटी है? कौन हमें गारंटी देगा कि ये सारी चीजें सैनिटाइज होंगी, भैया कोरोना मुक्त होगा, आप जाइए आपको कोरोना नहीं होगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम कोरोना संक्रमित हो गए, अपने घर चले गए, उस संक्रमण से मेरे माँ बाप, मेरा समाज, मेरा परिवार, किसी भी प्रतियोगी परिवार यदि संक्रमित हो गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए सर मन के अंदर बहुत ही ज्यादा डर छुपा हुआ है, परीक्षा को लेकर के, अपने प्राणों को लेकर के। हम तो सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए आप जी। अभी देखिए सर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में कहा मास्क जरूरी, 2 गज दूरी मास्क जरूरी। हम तो प्रधानमंत्री जी के उन शब्दों का अच्छा सा पालन करने के लिए तैयार बैठे हैं, हमारे सभी प्रतियोगी मित्र इन चीजों का पालन करने के लिए तैयार बैठे हैं। हम तो इस भाव के साथ जी रहे हैं, इस भाव के साथ रह रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, ठीक है। लेकिन अब सरकार में बैठे हुए लोग क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के इन बातों का सा पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? ठीक है, दोबारा आएंगे, अभी रुको भाई, दोबारा आएंगे बाबू, दोबारा आएंगे। ताहिरा हसन, ये जिद है बाबुओं की, नासमझी है, या उनको कोरोना ने टेलीफोन करके बता दिया कि हम चले गए खेलो खुल के, तीन में से क्या लगता है आपको? देखिए, नासमझी तो मैं नहीं कहूंगी कि नासमझी क्या है, उनको इतनी समझ तो होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उस पोस्ट के काबिल नहीं है, अहम नहीं है वो। आप ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ऊपर केसेस आ चुके हैं, और अभी पिछले 24 घंटे में 4,000 केसेस आए उत्तर प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में 629 आए हैं। कलेक्ट्रेट को 2 दिन क्यों बंद किया गया भाई, अगर ये सीरियस मैटर नहीं है? हाई कोर्ट को 7 दिन के लिए क्यों बंद कर दिया कि लोग संक्रमित ना हो? तो यहाँ इतने नौजवान, जिससे अभी नौजवान कितने डरे हुए थे अपनी जान के लिए, उस समय एग्जाम कराना, 5 लाख लोगों को सड़कों पे उतार देना, वो अपने घरों से जाएंगे, ऑटो से जाएंगे, बस पकड़ेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर जाएंगे, वहां अगर कोई पॉजिटिव है, सिम्टम नहीं दिखते है, तो अगर वहां से वो इंटरेक्ट करेगा इन्फेक्शन को, आके अपने घर में, अपनी बस्ती में, सब जगह फैलाएगा। और हम इतने डॉक्टर्स की जान गंवा चुके हैं, हमारे हेल्थ वर्कर्स जो है वो भी संक्रमित हो चुके हैं, आखिर क्यों उनको ओवरबर्डन करना चाहते हैं? ऑलरेडी वो ओवरबर्डन है, सारे हॉस्पिटल देखिए भरे हुए हैं, डॉक्टर्स रात दिन लगा हुआ है, घर नहीं जा रहा हमारा जूनियर डॉक्टर, ठीक बात है, वही में काम करते हैं, 14 दिन वही हॉस्टल में क्वारंटीन होता है और फिर आके काम करता है। मुझे तो लगता है शर्म आनी चाहिए, ठीक बात, ठीक बात, नहीं है, बहुत गलत बात है।
तायरा जी बिल्कुल ठीक बात है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, उसके दो पहलू हैं। वो बात कहकर फिर मैं अंशु अवस्थी के पास जाऊंगा, फिर राजपाल भाई के पास आऊंगा, सबसे अंत में नवीन जी के पास आऊंगा, चूंकि उनको उत्तर देने हैं सबके। हाईकोर्ट जब से कोरोना ने तेजी पकड़ी है, उत्तर प्रदेश हाई का हाईकोर्ट इलाहाबाद और उसकी जो पीठ है लखनऊ, दोनों कभी हफ्ते भर ढंग से फंक्शन नहीं किए, बंद ही बंद है, वहां फुहारा मारा ही जा रहा है 4 महीने से लगातार वो उसको सैनिटाइज करने में, क्या पता नहीं कितना सैनिटाइज हुआ कितना नहीं हुआ, लेकिन फुहारा अनवरत चल रहा है। ठीक, आर्किंग पार्किंग से लेके दरो दीवार सब नहला रहे हैं वो, वहां 10-20-50 लोग हमेशा पीठ पे केन लादे हुए, और अब तो मैं देख रहा वो टैंकर से कर रहे हैं सैनिटाइज, टैंकर भर भर के भेज रहे हैं। क्या जजेस की जान और वकीलों की जान और हमारे बच्चों की जान के मोल में कोई अंतर है? अमिताभ अग्निहोत्री का उत्तर है नहीं, नहीं, नहीं। सबकी जान कीमती है, लेकिन ये तो भारत का मुस्तकबिल है, इनकी जान ज्यादा कीमती है। अगर उनको डर है तो ये अभय कैसे हो जाएंगे बच्चे, ये निर्भय कैसे हो जाएंगे? और मुझे बड़ी हैरानी होती है, जब ऑनलाइन पिटीशन लेने वाली अदालतें जो वह आदमी को देखना नहीं चाहती मारे डर के, वो ये कह देती है कि नहीं नहीं ठीक है, अब यूनिवर्सिटी की आखिरी सेमेस्टर की तो परीक्षा कराई लो, आप ही हिम्मत दिखाओ, आओ इजलास में खोलो, जो दीन दुनिया में गरीब आदमी का मुकदमा है वो आए देखे कचहरी गुलजार करो, क्या समस्या क्या, क्यों नहीं गुलजार हो सकती फिर कचहरी? आपकी जान कीमती और दूसरे की जान सस्ती, ये नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र है, ये मंजूर नहीं, स्वीकार्य नहीं, कबूल नहीं। तीनों भाषा में बोल दिया, हिंदी उर्दू संस्कृत, ये नहीं चलेगा। राजेंद्र बाबू ने कहा था जिस दिन संविधान लागू हुआ, नवीन बाबू राजेंद्र प्रसाद जी से पूछा बीबीसी के रिपोर्टर ने कि राजेंद्र प्रसाद जी क्या अंतर आ गया, उन्होंने कहा राजा प्रजा हो गया आज, और प्रजा राजा हो गई, कोई बड़ा नहीं है। आप लोगों को जान की चिंता है, कलेक्टर ऑनलाइन मिलेगा ऑफलाइन नहीं मिलेगा, ठीक है, कमिश्नर भी नहीं मिलेगा, सेक्रेटरी भी नहीं मिलेगा, सब बड़े नहीं मिलेंगे, बोले तुम ननकू हो, तुम्हें क्या समस्या, जाओ बस पकड़ो डंडा और पहुंच जाओ बस्ती से गाजियाबाद, भाई दान दे के आओ, आ गए तुम्हारी किस्मत, नहीं आए तो तुम्हारी किस्मत, क्यों भाई? एक बार सरकारी अमला को निकाल के दिखाओ हमको प्राइवेट बस में, ऐसे डग्गा मार बस में, एक बार बड़े साहबों को गाजियाबाद से बस्ती तक जरा भेज के दिखाओ बस में, और अब विक्रम टेम्पो में बैठाओ भी बीच में, मैं भी तो देखूं हौसला कितना है। अंशु अवस्थी, मेरा सवाल बड़ा सीधा, इतना तर्क ही करने की जरूरत नहीं, मूल विषय ही इतना बड़ा है, जरूरत क्या जब 25 भर्तियां कंप्लीटेड रखी है फाइल, उनके रिजल्ट जारी करने हैं, कहीं नियुक्ति देनी है बच्चों को, वो काम इसमें निपटना चाहिए था कि नया पिटारा खोल दिया, बोले परीक्षा कराओ, 5 लाख इसमें और 4.5 लाख उसमें है, 10 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश में 10 लाख नौजवान को सड़क पर उतार दो, ये तो कुंभ का मेला हो जाएगा। अंशु अवस्थी, बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, कि सरकार ने जो जान की कीमत है उसमें भी वर्गीकरण कर दिया है, उसमें भी अंतर कर दिया है, उत्तर प्रदेश के लोगों की जो जान है उसकी कोई कीमत नहीं, ये पिछली पीरियड की परीक्षा से पता चल रहा है, और जो आगे होने वाली परीक्षा है, उत्तर प्रदेश के जो नौजवान है उनकी जान की कीमत सरकार की नजर में कुछ नहीं। और दूसरा, सरकार का जो दूसरा चरित्र है, एक तरफ वो कहती है जान है तो जहान है, और दूसरी तरफ उसी जान को संकट में डालने का काम ये सरकार करती है। अमिताभ जी, ये सिर्फ बाबुओं की गलती नहीं है, मैं ये नहीं मानता हूं अगर हर एक काम का श्रेय
सरकार को दिया जाता है, मुख्यमंत्री को दिया जाता है, मंत्री को दिया जाता है, तो इसका भी श्रेय दिया जाना चाहिए कि सरकार की गलती के चलते इस तरीके की घटना हो। दूसरा, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर भी सवाल है कि आखिर जो विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस बॉडी है उसका निर्णय इस तरीके का इतना संवेदनहीन, इतना जान पर खिलवाड़ का कैसे हो सकता है। अमिताभ जी, बीएड की परीक्षा से कोई रोजगार आने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में 10 से 11 लाख बीएड डिग्री होल्डर बैठे हुए हैं। 25 परीक्षाओं के जो इंटरव्यू के बाद परिणाम आने हैं जिससे रोजगार मिलने हैं, सरकार उसको तो पीछे ठंडे बस्ते में रख रही, लेकिन जिससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, प्रवेश परीक्षा है, उसको लेकर जो उत्तर प्रदेश के 10 लाख परिवार हैं उनको मुश्किल में डाल रही है। उत्तर प्रदेश नौजवान अपने परिवार का भविष्य है जी, आपने उनको मुश्किल में डाल रही है। ठीक बात। हमारे साथ दुर्गेश जुड़ गए हैं, ये बीएड के प्रतियोगी थे, इनसे जरा हाल चाल जान लूं। लेकिन एक बात कहूंगा, यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस स्टेटस यूनिवर्सिटी की बात का जो है उसकी बात हमारे भाई ने उठाई, अंशु भाई ने, मैं इस बात को साफ कर दूं शासन के लिए, खास तौर पर महामारी एक्ट में किसी संस्था की ऑटोनोमी नहीं रहती। महामारी एक्ट जब लागू होता है सब कुछ सरकार में निहित। अमिताभ अग्निहोत्री का घर ताहिरा हसन की बैठक, नवीन श्रीवास्तव का गुसलखाना, जब चाहे कलेक्टर अधिग्रहित कर ले, कोई मुकदमा नहीं कर सकता। 5 तारा होटल, 7 तारा होटल या अग्रवाल धर्मशाला, जब चाहे तब अधिग्रहित कर ले। महामारी एक्ट उसको ये पावर देता है। इसलिए कोई आप स्वायत्त नहीं, कोई यूनिवर्सिटी, कोई आईआईटी आईआईएम भी स्वायत्त नहीं, सबको वही करना होगा जो सरकार का नोटिफिकेशन होगा। महत्वपूर्ण बात है। दुर्गेश मुझे ये बताइए, कल क्या दृश्य था उत्तर प्रदेश में, जहां जहां इम्तहान थे बीएड के? सर कंडीशन तो ये थी कि कल की हालात पे मैं अगर बताऊं तो मुझे शायद आंख से आंसू आ जाए कि जो प्रतियोगी छात्र कल बीएड में शिक्षा देने गए कितनी बेरहमी के शिकार हुए कि सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से ध्वस्त थी, रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी, साधन का अभाव था, और इस बात की क्या गारंटी थी जो भी साधन वहां पे जा रहे थे वो कौनसा सैनिटाइज रहे होंगे। सर हम आपसे अपनी बात, अरे विक्रम टेम्पो डग्गा मार बस कहां सैनिटाइज हो रहे भैया,